डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक्स में मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा पे डिस्कस करेंगे। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, जो आपको इजी कॉन्सेप्ट से हम समझा चुके हैं कि मीडियन निकालने का इजी वे है, जब एन का वैल्यू आप ऑड नंबर में गिवन रहे तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, जब एन का वैल्यू इवन में फाइंड रहे तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन वो सारे टर्म अनग्रुप डेटा के लिए हैं, बट आज क्वेश्चंस हम लोग का जो सिस्टमेटिक वे में हम लोग को जिस टॉपिक को पढ़ना है उसमें रहेगा ग्रुप डेटा। तो इस ग्रुप डेटा के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन होना चाहिए स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा केयरफुली वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मोस्ट प्रोबेबली क्लास टेंथ के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यहाँ हम स्टेप वाइज आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में मुझे रिक्वायर्ड क्या होगी कि जो मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के हेल्प से, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से जो ऑब्टेन किया जाता है सिग्मा एफ एक्स, इस सिग्मा एफ एक्स को ही हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे या एन बोलेंगे। ये स्मॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन है। मीन्स ये सिग्मा एफ एक्स आई ही आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन से ऐड करने के बाद जो गिवन होता है। हम लोग को दूसरा स्टेप इसका जानना है कि सेकंड स्टेप इसका क्या है कि एन का वैल्यू चाहे कुछ भी आए, ध्यान रखें स्टूडेंट, एन का वैल्यू चाहे कुछ भी आए स्मॉल में लिख करके या कैपिटल में लिख करके उसको टू से डिवाइड कर देना है। और थर्ड स्टेप में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, थर्ड स्टेप में मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मीडियन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एन बाई टू का क्या मीनिंग है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू एंड फाइंड द कोरेस्पोंडिंग क्लास नोन एज मीडियन क्लास। जिसको हम लोग मीडियन क्लास के नाम से जानते हैं। ये फोर्थ कंडीशंस है, सॉरी थर्ड है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी फोर्थ स्टेप में कि यहाँ पे जो हम लोग मीडियन के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, मीडियन फार्मूला। और मीडियन फार्मूला ग्रुप डेटा में क्या यूज करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके मीडियन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एल का क्या डिस्कशंस है, एल आपका क्या है, एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। एन का वैल्यू हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सी एफ का वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
of class preceding the median class. F का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H का मीनिंग है क्लास साइज. तो ये सारी स्टेप्स जो है आपके लिए रिक्वायरमेंट स्टेप्स है ग्रुप डेटा के मीडियन को क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए. अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चंस के तरफ चलेंगे ताकि हम क्वेश्चंस से आपका ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं इस फॉर्मेट का सॉल्यूशंस प्रॉपर में हम दिखा दें. डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डेटा. आपका क्या डेटा है, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है. जो मार्क्स 20 बिटवीन 30 है उस पर 5 स्टूडेंट है, 30 टू 40 वाले 15 है, 40 टू 50 वाले 25 है, 50 टू 60 वाले 20 है, 60 टू 70 वाले 7 है, 70 टू 80 वाले 8 है और 80 टू 90 वाले 10 स्टूडेंट हैं. अब ये आपका डेटा गिवन है. अब इस डेटा से आप एक ये डेटा आपका सी आई का है तो एक इसको क्लास इंटरवल बोलेंगे. तो देखिए यहाँ क्लास इंटरवल को हम मेंशन कर दिए, सिर्फ क्लास भी आप लिख सकते हैं तो एक क्लास इंटरवल मेंशन कर दिए और फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर दिए. क्योंकि मीडियन में आपको हम बता चुके हैं कि ये मस्ट है, नेसेसरी है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी के हेल्प से आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ही होगा. तो चलिए फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी से आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाले. तो क्या हो गया, 5 के बाद 20 मीन्स ए 5 इज 15 में ऐड हो गया तो ये 20 आ गया. देन 20 और प्लस 25 45 और 20 65 और 7 72 और 8 80 और 80 और 10 90. तो डिस्टेंट ई आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया. अब यहाँ आपको रिक्वायरमेंट है एन की और एन क्या था, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई का वैल्यू भी आपका 90 ही होगा डियर स्टूडेंट, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन में लिखें या कैपिटल एन में. मीन्स यहाँ 90 आपका आ गया एन का वैल्यू. अब इस एन का वैल्यू ही आपको हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए मीडियन. अब डियर स्टूडेंट यहाँ केयर करें, एन का वैल्यू 90 है तो एक कंडीशन था और उसके बाद में हम मैंने जो स्टेप आपको लिखे थे उस स्टेप में क्या था, स्टेप नंबर सेकंड में था कि एन बाई टू आपको एनी हाउ करना है. तो एन बाई टू अगर आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 45, ये 45 आ गया. अब जब ये 45 आया तो इस 45 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 45 कहाँ जाएगा, देखिए ये 45 है और ये 45 में ये 45 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अब इसके जस्ट नीचे वाला कोरस्पोंडिंग पार्ट की बात करना है तो यहाँ जस्ट नीचे में 65 है, इससे बड़ा होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टेबल मुझे देखना है और जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ग्रेटर देन की बात करता है और उसके कोरस्पोंडिंग वाले क्लास को हम लोग लोअर लिमिट जिससे फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ आपका 65 इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही हुआ आपका, एक सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन इसके बाद मुझे देखना है या इसके कोरस्पोंडिंग में देखें तो इसके कोरस्पोंडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि 20 इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी है. समझने का कोशिश करें, अब ये 20 जो फ्रीक्वेंसी आया गया तो इस 20 फ्रीक्वेंसी से आपका जो क्लास चल रहा है क्लास इंटरवल या क्लास
वो क्या चल रहा है 50 to 60। तो 50 to 60 में क्या दिखा है आपको, क्लास दिख गया 50 to 60, और 50 to 60 में आप एल का वैल्यू निकाल लीजिए 50। क्लास साइज क्या आपको मिल गया, एच। क्लास साइज एच जिसको बोलते हैं वो 10 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो आप नॉर्मली वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स डियर स्टूडेंट, फिर से मैं CF से आपको कम्प्लीट क्लास साइज तक पहुंचाने का काम करता हूं। थोड़ा सा केयरफुली देखें, आपका n by 2 आ गया 45 जो CF बना दिए। अब इसका क्या रूल है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 45 इज 65। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 65 से जस्ट ग्रेटर देन है। एंड द क्रोस्पोंडिंग क्लास, इसका क्रोस्पोंडिंग क्लास कौन है, इसका क्रोस्पोंडिंग क्लास आपका 50 to 60 है। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसी से 50 to 60 इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। इसको मीडियन क्लास भी हम बोल सकते हैं, और इस मीडियन क्लास के हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, चूँकि फ्रीक्वेंसी का रूल था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास निकल गया एफ। और फिर आपको एच, एच के बारे में बताए थे क्लास साइज, तो क्लास साइज भी मीडियन क्लास का ही देखेंगे, ऐसे किसी का भी देखेंगे तो क्लास साइज सेम ही होगा। तो इस मैटर को आप समझ गए, आप क्वेश्चन को फार्मूला में पुट कर देना, सॉरी ये जो गिवन वैल्यू है इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, मीडियन आपका फाइंड हो जाएगा। और क्या आपका फार्मूला है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, और एल का वैल्यू क्या है आपका 50, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू आप 90/2 भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 45 बाई एफ इंटू एच। फिफ्टी प्लस ये 45 हो गया, और 45 माइनस 45 बाई 20 इंटू 10। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन 45 में से 45 माइनस 0 मीन्स 0 प्लस इस सारा टर्म 0 हो गया, इसलिए आपका मीडियन बन गया 50। और यही आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 525। मीडियन ही आपके डेटा का गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। फ्रीक्वेंसी भी दे दिया 100 है, और देखिए डेटा आपका गिवन है 0 to 100, 200 to 205, 200 to 300x, 300 to 400, 400 to 500, 700, 500 to 600, 20, 600 to 700, 800 to 909, 800 to 907, और 900 to 1000, 10, sorry 4। तो ये आपका डेटा गिवन है डियर स्टूडेंट, और इस डेटा का मीडियन भी दिया हुआ है, और इस डेटा का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप उनका क्या किया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के हेल्प से मुझे क्या करना है, मीडियन है तो यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के हेल्प से मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका 2 हो गया डियर स्टूडेंट, देन 2 + 5 = 7 हो गया, 7 + x तो 7 + x ही लिखेंगे, देन +12 तो कितना हो गया 19 + x, देन 17 = 36 + x, देन 20 = 56 + x,
फिर प्लस वाई आ गया, तो आप क्या लिखेंगे अब? 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें अगर 9 आप प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर 7 प्लस कर देंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 4 प्लस कर देंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये आपका डेटा तैयार होगा डियर स्टूडेंट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा तैयार है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका वैल्यू सिग्मा एफ आई का वैल्यू आपका 100 गिवन है, और ऐसे इसका सम करेंगे तो क्या आएगा? इसका सम करेंगे तो ये आपका आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, और इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका देखिए इसका सम और एक गिवन भी है, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही। अब देखिए थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, n का वैल्यू आपका 100 है तो n बाई टू तो करना ही है, जब n बाई टू करेंगे तो ये 50 आ गया, ये भी सियोरिटी हो गई, स्मॉल n या कैपिटल n कुछ भी लिखें। अब इस 50 के हेल्प से आपको मीडियन में सर्च करना है, तो मीडियन तो आपके पास है नहीं, तो मीडियन के लिए मीडियन आपका गिवन है, मीडियन गिवन है आपका 525। तो जो ये 525 है इसको आप क्लास इंटरवल में सर्च करें कि 525 किस क्लास में जाएगा, तो 525 आपका जाएगा इस क्लास में। जब 525 इस क्लास में गया मतलब मीडियन का क्लास क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा? 525 विच लाइज इन द क्लास 500 to 600। अब इस 500 to 600 में क्या हो गया, लोअर लिमिट आपका 500 हो गया, क्लास साइज आपका 100 हो गया, ये दो चीज़ फाइंड आउट हो गया। अब बात है फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी किसका देखते हैं, इसी ये जो क्लास साइज आता है मीडियन क्लास आता है, इस मीडियन क्लास का ही मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आपका 20 है, मीन्स फ्रीक्वेंसी भी आपको 20 मिल चुका है, कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब एक बात और आप जान लें, अब आपको सी एफ की रिक्वायरमेंट है, तो सी एफ क्या होता है, इस टर्म के सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट प्रिसीडिंग टर्म की बात करता है, प्रिसीडिंग, तो प्रिसीडिंग में आपका क्या हो गया, ये आपका सी एफ का काम करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मीन्स सी एफ का वैल्यू क्या हो गया, 36 प्लस एक्स। अब आपको मीडियन का फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का, तो मीडियन का क्या फार्मूला है, जैसे कि आप जान रहे हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, और एल का वैल्यू हो गया 500 प्लस एन बाई टू, और एन बाई टू को डायरेक्ट 50 लिख दें, माइनस सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना है, 36 प्लस एक्स, और एफ का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, 20, और h का वैल्यू हो गया आपका 100। इस 100 से 20 को अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 5 हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, देन ये क्या हो गया 500, ये 50, इसको माइनस करेंगे 36, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और मीडियन यहाँ आपका गिवन है 525 आपका मीडियन गिवन है डियर स्टूडेंट, तो एक्स का वैल्यू इससे फाइंड आउट होगा, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ लिखते हैं 525 इक्वल टू, अब यहाँ केयरफुली डियर स्टूडेंट देखिए, ये प्लस में है यहाँ पे 500, इसके पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 500 लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आएगा
फोर्टीन माइनस फाइव, फोर्टीन माइनस एक्स इंटू फाइव, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन टू फाइव आ गया, ये फाइव इंटू में है तो इसके साथ आएगा तो डिवाइड हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे फोर्टीन माइनस एक्स, इससे कैंसिल हो गया, मीन्स फाइव इक्वल टू फोर्टीन माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका नाइन। बिल्कुल इजी स्टेप से, जब एक्स का वैल्यू आपका नाइन आ गया तो वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, बिल्कुल इजी वे में निकलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू आप ट्वेंटी फोर यूज कर चुके हैं, सॉरी 24, और इसके लिए आप यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर, एक्स नाइन, वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर, मीन्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस नाइन मीन्स फिफ्टीन। तो वाई का वैल्यू आपका फिफ्टीन और एक्स का वैल्यू आपका नाइन, यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से समझाए हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे तक सेंड कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।